सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज स्क्रिप्ट में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ फ्री फायर का ड्रैग हेडशॉट प्लस एनपीसी लोकेशन, जो कि 100% एंटी ब्लैकलिस्ट होने वाला। आप लोग देख सकते हो 34 का स्ट्राइक हम लोग कर रखे हैं, अपनी कोई भी अपना ब्लैकलिस्ट इशू नहीं है। बहुत बंदे बोल रहे हैं एडिटिंग, बट गाइस ये एडिटिंग नहीं है। आपको गेम में भी दिखा दूंगा मैं कि ये एडिटिंग नहीं था। आपको सब कुछ क्लियरली शो करेगा कि हमारा स्ट्राइक 34 का है एंड फुल टू फुल मैं कहीं भी स्किप नहीं करने वाला। देखो पहले ही आपको फाइल पेस्ट करके आना और गेम में आके डिलीट करना है। हालांकि एक मैच हम लोग हार चुका और एडी कार्ड में आपको पता होगा थोड़ा सा लेट मैच में होता है, तो आपको इतना मैनेज कर लेना। बट गाइस आपका जो है जो कुछ भी सेटअप है, मैं सब कुछ वीपीएन से लेकर सब कुछ सेटअप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे आपको सेटअप करना है। बट गेम प्ले आपको फुल नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ये वाला जो राउंड है मतलब मैच है, मैं हार गया और मेरा जो 34 का जो स्ट्राइक था वो टूट गया है, ठीक है। और मैं आपको जो इसमें आल टू आल सेटअप बता दूंगा कैसे है, कैसे आपको क्या क्या करना है, और पासवर्ड भी वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो वीडियो थोड़ा सा भी इसकी मेहनत करना, नहीं तो आप लोग बोलोगे पासवर्ड गलत बोले हो या फिर मैं अगली वीडियो में पासवर्ड भूल गया था तो बहुत बंदों को टेलीग्राम पे दिया। बट आपको इसमें वीडियो थोड़ा भी स्किप नहीं करना, आपको पासवर्ड मिल जाएगा। एंड चलो मैं आपको फोन के स्क्रीन पे ले जाकर सब कुछ बता देता हूँ कैसे आपको यूज करना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में जितनी भी फाइल्स का लिंक देखने को मिल रहा है सब कुछ आपको डाउनलोड कर लेना, एपीके भी मेरा ही डाउनलोड करना, तभी आपका जो है कि वर्क करने वाला, नहीं तो आपका जो है वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले आपको ओपन करना है ZHUR एंड ZHUR ओपन करने के बाद आपको जिस भी फाइल में आपका हैक आता है, मतलब जब आप डाउनलोड करते हैं तो जैसे बात है डाउनलोड फोल्डर में होगा तो आपको डाउनलोड फोल्डर में चले जाना। बट मैं यहाँ पर रखा हूँ, ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ जहाँ पे अपना फाइल है। तो देखो ये हमारी फाइल यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको आ जाना अपने डाउनलोड फोल्डर में, जहाँ पे आपको सबसे पहले फ्री फायर जो एप्लीकेशन है आपको उसे इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करके एक बार ओपन कर लेना, आईडी वगैरह लॉगिन कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद आपको आ जाना, सबसे पहले आपको ये जो फाइल है फाइल पर टैप करना, एक्सट्रैक्ट हेयर पर टैप करना, आपको एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन शो कर रहा होगा। एक्सट्रैक्ट हेयर पर जैसे ही टैप करोगे यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, जो भी पासवर्ड आपका है 9K सुन, तो गाइस 8K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, बहुत ही जल्द आप लोग 9K भी करवाए दो। 9K सुन आपको पासवर्ड डाल देना, देख सकते हो आप लोग यही अपना पासवर्ड है 9K सुन। तो पासवर्ड डालने के बाद ओके कर देना, ओके करने के बाद आपको जो फाइल है फाइल यहाँ पे आ जाएगा, इसको लॉन्ग प्रेस करना है, कॉपी करना, कॉपी करने के बाद ऊपर एंड्रॉइड पर जाना है, एसडी कार्ड में जाना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एसडी कार्ड में जाना है, ठीक है, ये एसडी कार्ड में जाना है। एसडी कार्ड में जाने के बाद आपको चले जाए एंड्रॉइड में, यहीं पर आपको लाके पेस्ट कर देना। अगर आप लोग यहाँ पे पेस्ट करते हो तो बार बार आपको वहाँ से यहाँ पे नहीं लाना पड़ेगा। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको देखो गेम में अगर विदाउट रिकनेक्टिंग खेलना चाहते हो तो आपका जैसे बात है कि अपना जो मोबाइल है पैच नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिवाइस पैच होता है तो आपका जो है ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल पैच नहीं होना चाहिए, अगर पैच है तो मोबाइल रिसेट कर लो, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक वीपीएन भी था, तो वीपीएन को सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है। एंड देखो ये अपना वीपीएन है, तो वीपीएन भी इंस्टॉल करके छोड़ना आपको सबसे पहले। अब क्या करना है, ये जो फाइल है, ठीक है, अगर आप लोग रिकनेक्टिंग यूज करना चाहते हो तो रिकनेक्ट करके यूज कर लेना तो और बेटर चलेगा। अगर जो बंदा बिना रिकनेक्ट के खेलना चाहता है, जिसका डिवाइस पैच नहीं है, जिसका डिवाइस नहीं पैच है वैसे भी बिना रिकनेक्ट के खेल सकता है, जिसका पैच है वो रिकनेक्ट उसको करना पड़ेगा, बाकी जो है 100% ब्लैकलिस्ट चलेगा। तो इस फाइल को लॉन्ग प्रेस करना, कॉपी करना, और आपको रिकनेक्टिंग वाला प्रोसेस तो पता ही है तो लोग आप लोग कर लेना, ठीक है। बट यहाँ पर आपको जो बिना रिकनेक्ट करना चाहता है यहाँ पे पेस्ट करना, पहले आपको पेस्ट करके आपको गेम अपना ओपन कर लेना है। यहाँ पे गेम जैसे ही आप लोग ओपन करो कोई सा प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। देखो जैसे ही आप लोग लॉबी में आ जाओ तो आपको बीच से कट करना है, कट करने के बाद आपको जो है वीपीएन को ऑन कर लेना, ठीक है। बट वीपीएन ऑन करते समय आपको ये याद रखना है कि आपका जो नोटिफिकेशन आता रहेगा तो फोन को साइलेंट कर लेना ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे वीपीएन ऑन करोगे तो आपका वीपीएन यहाँ पे ऑन हो जाएगा, बट मैं वीपीएन बंद करके ऑन किया हूँ इसलिए मेरा गेम जो है रीस्टार्ट होने लगा है, मतलब कि फिर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग मिनिमाइज करके गेम वहाँ से ओपन करना, गेम जस्ट लॉबी में से ओपन हो जाएगा और आपको गेम स्टार्ट करना है। गेम में जाने के बाद आपको फाइल को डिलीट कर देना और वीपीएन को ऑफ नहीं करना है, आपको बस गेम खेलते जाना है। फिर जब गेम खत्म हो जाए तो वैसे नॉर्मली आपको बैक कर देना, फिर लॉबी में आके हैक लगाओ और गेम में जाके डिलीट कर दो, ऐसे ही आपको नॉर्मली करते जाना। जिसका डिवाइस पैच नहीं है 100% एंटी ब्लैकलिस्ट चलेगा, और जिसका डिवाइस पैच है तो अपना रिकनेक्टिंग प्रोसेस करें, बहुत ही अच्छा ओपी लेवल वर्क करना। आज तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।